PCOS के बारे में तो हमने बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि PCOS को हम नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। आइए आज हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस पे और नेचुरल तरीकों से PCOS को कैसे क्योर किया जाता है। सबसे पहला मेजर है अपनी डाइट में चेंजेस करना। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड फूड इज मेडिसिन फॉर PCOS। कैसा डाइट लेना चाहिए? ऐसा डाइट जिसमें आपका फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स ज़्यादा है। किसी भी तरीके का प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड मत खाइए। अपनी डाइट में से शुगर्स बिल्कुल कम कर दीजिए। नंबर टू इज एक्सरसाइज। स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि इवन अगर आप 30-40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 times इन अ वीक कर रहे हैं, उससे PCOS बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है। 5-10% भी अगर आप बॉडी का वेट लॉस करते हैं, PCOS के सिम्टम्स सब रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जैसे ही वेट लॉस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। बॉडी का फैट कम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देर इज़ नो एक्स्ट्रा शुगर्स इन द बॉडी, और सारा हार्मोनल बैलेंस जो है वापस मेंटेन हो रहा है। सो प्लीज़ हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल वेयर यू आर एक्टिवली डूइंग समथिंग एंड ट्राइंग टू लूज वेट। नंबर थर्ड वुड बी प्लीज़ मैनेज योर स्ट्रेस। हमारे स्ट्रेस होने से कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा होते हैं, जिससे बाकी हार्मोन्स के लेवल्स भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको PCOS और ज़्यादा हो सकता है। ट्राई टू स्लीप वेल, 7-8 hours ऑफ स्लीप वेर यू आर स्लीपिंग एट अ स्ट्रेच, कोई डिस्टर्बेंस के बिना। ट्राई मेडिटेशन, ट्राई डूइंग योगा, दिस ऑल इज गोइंग टू काम योर बॉडी एंड इट विल मैनेज योर स्ट्रेस, और आपके सिम्टम्स और बेटर होते चले जाएंगे। You should also try and add some supplements in your diet like folic acid, vitamin D, omega-3 fatty acids and magnesium. ये आपको symptoms में भी help करेगा और आपकी overall health को भी improve करेगा। So I would just want to conclude and say that PCOS is majorly a lifestyle issue. अगर आप PCOS के सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, पहले अपने डाइट और लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस लाने की कोशिश करिए, और अगर इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद आवर मेडिकल एडवाइस। बुक अ फ्री कंसल्टेशन टुडे